बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। सुबह सुबह का वक्त है तो बच्चों के लिए स्कूल जाना है। बच्चों ने समीर बेटे ने और कबीर बेटे ने तो खाना बनाना था, तो आज बच्चों ने कहा है मम्मा जी सुबह सुबह हमें चीनी वाले पराठे बना के दें। स्कूल में बच्चे लेके आते हैं, खा के भी आते हैं चीनी वाला पराठा, आलू वाला या किस तरह का भी। आज सुबह सुबह गुगलू बेटे ने और समीर बेटे ने कहा कि चीनी वाला बना के दो हमें आज, तो आज इनके लिए चीनी वाले पराठे बनाने लगी हूँ। साथ ही बहन भाइयों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नए वीडियो की तरफ। ये दो पेड़े बना के चीनी मैंने डाल ली इसमें, अब बना ली हूँ रोटी, क्योंकि आज और कोई चीज बनाई नहीं थी। तो बच्चे कह रहे हैं कि मामा हमें चीनी वाला पराठा बना दो, तो अब इनको पराठे बना के देती हूँ। साथ में जो भी सीन होता है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। साथ में घर का फ्रेश घर का मक्खन है बनाया हुआ मैंने, इसके साथ बना के देती हूँ। वैसे तो समीर बेटे ने कोई चीज़ अब खानी नहीं होती, तो इसी तरह जो पराठा बना के थोड़ी बहुत इस तरह भी खा ले। मक्खन लगा दिया, ये तैयार हो जाता है फिर भी शहर को लगाते हैं। के लिए पराठा पहला तैयार हो गया, तो बीस बेटा भी बाहर ही है। उसने सुबह सुबह फीडर लेना होता है, उसके बाद उसने स्कूल में लंच लेके जाना होता है, वो सुबह सुबह खाता भी नहीं है। समीर बेटे ने कोई चीज लेके जानी नहीं होती आज, इसलिए हल्की कर देती हूँ कि अच्छी तरह पक जाए। ये चीनी किसी बर्तन में मैंने नहीं डाली, वैसे डब्बे के अपने पास रख लिया। दस 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 दस
जी एक साड़ा चीनी वाला पराठा तैयार हो चुका है। आ लो समीर बेटा, चले तो नीचे रख के खाओ ना। हम मैं दूसरे दो और बना ले का मेहमान वास्ते, कबीर वास्ते, अपने वास्ते मैं नहीं बनाना। ये दो पराठे साढ़े तैयार है, दूसरा भी हो रहा है। इस तरीके से ये कराया गया वो भी तैयार कर लेंगे। कैमरा अभी बंद कर दिए हैं। फिर मदद करते हैं। ये बच्चों के बैग भी रेडी कर दिए हैं। समीर बेटे का ये वाला है रेड वाला, और ये सब जो है ये कबीर बेटे का है। ये इसमें टिफ़िन भी डाल दिया है, जो चीज़ें इनको ज़रूरत थी सारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब बच्चों की तैयारी भी कर ली है। ये कबीर बेटा दुकान पे गया था, अपने लिए चॉकलेट ले गया है, मेमा बिटिया के लिए बिस्किट। कल आपने खानी नहीं थी चॉकलेट, तो आज खानी है चॉकलेट, तो बिस्किट भाई को दे दिए। ये मेमा बिटिया का काम देखो। चलो कबीर सीधे होकर भाई के साथ खड़े हो, जरा मेरी तरफ मुंह करो। ये दोनों बच्चे रेडी हैं मेरे, समीर बेटा भी और कबीर बेटा भी। बेटा रेडी हो? वालेकुम अस्सलाम। अब बैग भी रेडी हो गए, बच्चे भी रेडी हो गए स्कूल के लिए। कबीर बेटा अपने लिए चीज़ ले गया है, एक मेमा बिटिया को दे दिए चॉकलेट, बिस्किट खुद ले लिया है। तो अब क्या टाइम हो गया है? मुझे ज्यादा लगा है, सही तरह बोल दे। की टाइम होया है बेटा? उर्दू में बात किया करो कबीर, आप पंजाबी बोलना शुरू हो गए जिस दिन के स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते वक्त बच्चे उर्दू इंग्लिश बोलते हैं, आप पंजाबी बोलना शुरू हो गए। स्कूल उर्दू नहीं बोलते थे? ये तो गल अच्छी नहीं है जी। बच्चे रेडी हैं, अब टाइम देखती हूँ क्या हुआ है, तो फिर जब टाइम होता तो फिर ये स्कूल जाएंगे। अल्लाह हाफिज। ये मामा बिटिया के साथ इस तरह मिलके जाते हैं फिर कि मामा हम स्कूल जा रहे हैं, तो अब देखते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये काफ़ी सारे बर्तन धोने वाले हैं, ये धोती हूँ। ये कल की इतनी सफाई की है, तो बच्चे जब बाहर से आते हैं साइकिल वगैरह जो जूते लेके, तो इतनी मट्टी लेके आते हैं। अभी ये कपड़े भी धोने वाले हैं और बर्तन भी, अब मैं ये धोती हूँ। अब ये वाशरूम वगैरह भी ब्लीच के साथ मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये अभी बाथ में और वाशरूम में बच्चों ने हाथ धोए और दोबारा फिर गंदे हो चुके हैं, क्योंकि ये सीमेंट भी सारा ख़राब हो रहा है, कितना बुरा लग रहा है अभी। तो अब पहले ये लोटा भी किधर बच्चों ने फेंक दिया है। अब ये बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, ये साथ में इधर भी ये ब्लीच रखी हुई तेजाब वगैरह, ये इस जहाँ भी फर्श को लगाना है सारा नलके के पास। चलो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, कपड़े धोऊँगी, तो उसके बाद ये तेजाब वगैरह से ब्लीच के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। तो अब देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे माशाल्लाह अंदर बैठ के कोई सबक याद कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं। ये तीनों काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी।
अब जे चलो सर्दी नहा के अंदर बैठे हैं, साथ साथ टीवी भी देख लेंगे, जो अपना सबक याद करना है वो भी कर लेंगे। तो वीडियो का एंड मैं इधर ही करूँगी। यह है हमारी आज की वीडियो। जिन बहन भाइयों को पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसी के साथ हमें दे दिया इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।